और वहीं छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। कई अधिकारी और कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो कुछ कार्यालय से नदारद रहते हैं। ताजा मामला कोरबा जिला मुख्यालय से सामने आया, जहां आबकारी विभाग में जांच की गई तो कई कर्मचारी कार्यालय से नदारद पाए गए। वही एक कर्मचारी कंप्यूटर पर ताश खेलते हुए पकड़ा गया और अन्य विभागीय कर्मचारियों की कुर्सियां खाली मिली। कलेक्टर कार्यालय के आबकारी विभाग में खड़े आप देख सकते हैं कि 10:30 लगभग बज चुका है और अभी भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे देख सकते हैं टेबल कुर्सी किस तरह खाली है और कर्मचारी जो है वो आके बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, बाकी जो कुर्सी टेबल है बिल्कुल खाली है। जबकि इनका कार्यालय आने का समय 10 बजे है, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ के जो प्रभारी है सौरभ बख्शी, वो भी खुद समय पे नहीं आते हैं तो कर्मचारी क्यों आएंगे समय पे, ये भी सोचने वाली बात है। देखने वाली बात ये है कि इनके ऊपर अंकुश लगाए तो लगाए कौन, अधिकारी समय पे नहीं आते हैं तो कर्मचारी कहाँ से समय पर आएंगे, ये देखने वाली बात है। इसमें जिला कलेक्टर कलेक्टर कार्यालय में संलग्न होने के बावजूद भी जरा सा भी इनको डर भय नहीं है कि हम समय पे कार्यालय पहुंचे, समय पे अपना जो है अपनी ड्यूटी को करें, लेकिन समय पे ढाला की नहीं आएंगे लेकिन सैलरी पूरे महीने का लेंगे। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे भरदाशाही मचा हुआ है, किसी की कोई खौफ नहीं है। साथ ही सौरभ बख्शी जो है यहाँ पे अधिकारी जो है वो यहाँ पे मिलते ही नहीं है, कभी भी आओ मिलते नहीं है। क्या नाम है सर आपका? किस पद में है यहाँ? अभी हम देखे कि कुछ देर पहले आप कंप्यूटर में ताश खेल रहे थे। कंप्यूटर चालू किया था, ऑफिस तो आने का समय क्या कर्मचारी सौरभ बख्शी कितने समय तक आते हैं? अभी तो 10:30 बजे कहाँ पहुँचे हैं और कर्मचारी फिर कब आएंगे? सौरभ बख्शी के आने के बाद आते हैं, सभी आ जाए आते रहते हैं। कितना समय तक पहुँचते हैं? 10:30 11 तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ भरासाई मचा हुआ है। आबकारी विभाग का ये मुख्य कार्यालय है, प्रभारी है सौरभ बख्शी, यहाँ पे खुद वो नहीं आते समय पे, न ही उनके कर्मचारी समय पर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उनका कार्यालय भी पूरी तरह से खाली है। निश्चित तौर पर अगर रखवाल ही समय पे नहीं पहुंचेंगे तो बाकी पहरेदार कहाँ से पहुंचेंगे, सोचने वाली बात है। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा।